जब भी आमिर खान को देखता हूँ, पता नहीं इतने तीन अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को थ्री इडियट्स क्यों कहा। आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर टू रीजंस। वन, ही हैज इक्विप्ड माय सेक्रेटेरिएट विद बेस्ट ऑफ पर्सनल। ग्रेटफुल सर। नाम तो अपूर्व है पर हर चीज को पूर्व करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रसार भारती का काम अपने नाम के अनुरूप है, गौरव द्विवेदी। यहां पर जो भी उपस्थित है वो बड़ा खास है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। किस किस का नाम लूं, किस किस का अभिनंदन करूं, पर वी आर इन अ सिस्टम, कुछ तो करना है। आई कांट बाई पास माई वाइफ, बट देर आर मोर डिस्टिंग्विश्ड पीपल इन द ऑडियंस। ऐसे मौके पर जब पूरा देश आज के दिन इस कार्यक्रम को देख रहा है, रिकी केज, ग्रैमी अवार्ड विनर म्यूजिक कंपोजर, जब भी आमिर खान को देखता हूं, पद्म भूषण हो, पता नहीं इतने तीन अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को थ्री इडियट्स क्यों कहा। इनकी एक बात को मैं बहुत एक्सप्लोइट करता हूं, लकीली इन्होंने पेटेंट नहीं कराया है तो मुझे रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इन्होंने कहा था मैं अपने कमजोर विद्यार्थी का हाथ नहीं छोड़ता। मैंने भी मन की बात का कोई एपिसोड नहीं छोड़ा है। कुछ चुनौती मेरे सामने आई, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल, खैर वहां तो और भी चुनौतियां थी, और इस पद पर तो रिकॉर्डेड सुना, एंड सुनने की एक खास वजह थी वो कौन शख्स है हु वुड नॉट लाइक टू बी इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, इंस्ट्रक्टेड, इन्फॉर्म्ड कि मेरा भारत क्या है। आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल एपिसोड। रविनाथ टंडन जी, पद्मश्री, जब आपको पद्मश्री से अलंकृत किया गया, मैं राष्ट्रपति भवन में था। और मैंने एक, वी कैन कॉल इट अ फोपा और अ मिस्टेक और एन असेसमेंट, जिसको इन्होंने पब्लिक डोमेन में भी डाला, इनकी बेटी को मैंने इनकी सिस्टर कह दिया। बट आई करेक्टेड लाइक अ गुड लॉयर, विच आई एम नॉट आफ्टर 2019। क्योंकि आपको एक चीज बता दूं, डॉक्टर सुदेश धनखड़ से मेरी शादी होते ही मैं वकील बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे जीवन में जेलस मिस्ट्रेस आ गई। वकालत इज नोन टू बी जेलस मिस्ट्रेस एंड आई डू माई होमवर्क वेल। I kept the jealous mistress always happy. She suffered. पर 20 जुलाई 2019 का वो दिन, उस दिन की तीन खासियतें हैं। पहली, क्रॉनिकल रिवर्स में बता रहा हूं, महामहिम राष्ट्रपति ने एक वारंट जारी किया वकील के लिए कि यू आर अपॉइंटेड एज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो मुझे लगा जेलस मिस्ट्रेस मेरे जीवन से बाहर जाएगी। 20 जुलाई 2019 में 20 जुलाई और भी खास है, वो मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन है। तो जेलस मिस्ट्रेस का अंत उस दिन हुआ। 20 जुलाई एक और खास बात है,
और वो खास बात है 19 में 50 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग मून पर लैंड किया था। किरण बेदी जी, मैं आपका एकलव्य हूं, पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ सीखा आपसे। इतना कुछ सीखा है कि यू कैन एनरिच योर सेल्फ इफ यू वो टू डिमांड रॉयल्टी फॉर दैट। निकट जरीन देश को गौरवान्वित किया है, वॉट एन एकम्प्लिशमेंट। वर्ल्ड चैंपियन सेकेंड टाइम एंड द लेटेस्ट एडिशन वॉज इन 2023, am I right? जिस तरीके से मेरे व्यक्तिगत छोटे जीवन में 20 जुलाई का महत्व हो गया, देश के इतिहास में 2014 एक टर्निंग पॉइंट है। आई वुड कॉल इट एन इपोकल डेवलपमेंट, आई विल कॉल इट अ डेवलपमेंट दैट हैज शेप्ड द डेस्टिनी ऑफ इंडिया, टेकन अस ऑन अ पाथ ऑफ प्रोग्रेस। We are on the rise as never before and the rise is unstoppable. 2014 में 30 साल के अंतराल के बाद भारत को राजनीतिक स्थायित्व सदन में मिला और एक पार्टी का शासन आया। कहते हैं कि जिसके बिवाई नहीं हुई वो बिवाई की पीड़ा नहीं समझ सकता, जिसके पांव में बिवाई हो गई वो जानता है कितनी कष्टदायक है। आई वॉज पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ मोर देन अ डजन पार्टीज इन 89 to 91। उस कोलिएशन गवर्नमेंट के अंदर मैं मंत्री था और मंत्री भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स का था। जानता हूं कोलिएशन के कंपल्शन बहुत भयानक होते हैं। कोलिएशन इज अ ब्रेक ऑन आवर डेवलपमेंट व्हीकल। 2014 में यह बदलाव आया, पर 2014 में एक जो दूसरा बदलाव आया और जिसकी वजह से मार्क आज यहां पर है, और वो आया विजयदशमी के पावन अवसर पर। 3 अक्टूबर 2014 को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नायाब शुरुआत की, मन की बात। मैं उनकी मन की बात हर आदमी के दिल तक की बात मानता हूं, उनकी बात हर आदमी के दिल तक जाती है। इस मन की बात ने रेडियो को तो जीवंत कर ही दिया, वरना इतना डेवलपमेंट हो रहा था टेक्नोलॉजिकल कि रेडियो काफी बैकग्राउंड में जा रहा था, फोरफ्रंट में आ गया। भारत के लोगों की विकास यात्रा में मन की बात का कितना योगदान है इसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, माननीय मंत्री जी ने बहुत कह दिया। पर दिस ग्रेट जर्नी आ हिस्टोरिकल माइलस्टोन अनप्रेसिडेंटेड का शतक पूरा हो रहा है। 30 अप्रैल 2023 को